हेलो दोस्तों, राइज एंड शाइन्स टू ऑल गेमर्स। वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ न्यूज़ फॉर गेमर्स। मैं हूं सलाउद्दीन, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल न्यूज़ फॉर गेमर्स में। दोस्तों, फॉर द मंथ ऑफ मे फ्री गेम आ चुके हैं ऑन प्ले स्टेशन एंड एक्सबॉक्स, और मैं सारे गेम का वो छोटे छोटे क्लिप आपको बताने वाला हूं जो आपको हेल्प करेगा कौन सा गेम आपको डाउनलोड करना है, कौन सा गेम डाउनलोड नहीं करना है। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्ले स्टेशन से। हर बार की तरह इस बार भी हमको प्ले स्टेशन में 3 गेम फ्री मिल रहे हैं फॉर द मंथ ऑफ मे। और जो सबसे पहली गेम है वो है बैटलफील्ड 5। काफ़ी इंटरेस्टिंग, और जिन लोग शूटिंग गेम्स के फ़ैन हैं तो उनके लिए ये गेम्स काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। और ये काफ़ी अच्छा गेम है, काफ़ी जो लोग बैटलफील्ड के गेम्स सीरीज से खेलते आए हैं वो जानते हैं कि बैटलफील्ड कहां से कहां पहुंच चुका है। और ये गेम भी काफ़ी अच्छा है जिन लोग खेलना चाहें, और काफ़ी इंटरेस्टिंग और इंगेजिंग गेम है। कोई से भी पॉइंट को आपको बोरिंग नहीं लगेगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट गेम की तरफ, जो है सेकंड गेम, वो है स्ट्रैंडेड डीप। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मैंने ये गेम के बारे में सर्च किया, इस गेम के ऊपर कोई भी रिव्यू मुझे ज़्यादातर नहीं मिला नहीं है। पता नहीं ये गेम कब आया, कब गया, पता नहीं चला। ये गेम की व्यू से और ट्रेलर से अंदाज़ा लगता है कि आप एक आइलैंड पर सर्वाइव कर रहे हैं, और उस सर्वाइव में आपको काफ़ी सारे चीज़ें सिमुलेशन टाइप आपको ये करना है। अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो ट्राई कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट गेम की तरफ, जो है थर्ड एंड लास्ट गेम, वो है रैकफेस्ट। रैकफेस्ट जो, जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आप लोगों ने डिस्ट्रक्शन ऑल स्टार खेला होगा या फिर वो डिस्ट्रक्शन ऑल स्टार के बारे में जानते हैं, सिमिलर टू वो टाइप में गेम है। जैसा कि आप रेसिंग कर रहे हैं, डैश कर रहे हैं, सामने वाली गाड़ी को डैमेज कर रहे हैं। इसमें दोस्तों, अगर आप मेरा ओपिनियन चाहें तो ये फॉर द मंथ ऑफ मे में जो PS के ऊपर मुझे गेम मिले, सब में बेस्ट मुझे गेम बैटलफील्ड 5 लगा है, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और लोग जो शूटिंग की गेम के फ़ैन हैं उनको ये गेम काफ़ी पसंद आएगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेज की तरफ, जो है एक्सबॉक्स का। एक्सबॉक्स में हमको हर बार की तरह 4 गेम फ्री मिले हैं, और वो चारों के चारों गेम RPG टाइप है और सिमुलेशन टाइप से है। ध्यान रखिए कि ये सारे गेम के रेटिंग काफ़ी अच्छे हैं, भले ही ये पुराने गेम हैं पर इन सब के रेटिंग्स काफ़ी अच्छे मिले हैं। चलिए चलते हैं हमारे फर्स्ट गेम की तरफ। फर्स्ट गेम है जो है आर्मिलो। अगर आप लोग RPG और सिमुलेशन टाइप के गेम के फ़ैन हैं तो इस बार चारों के चारों गेम RPG टाइप ही हैं, तो आप वो गेम का मज़ा ले सकते हैं। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट गेम की तरफ, जो है डंजन्स। डंजन्स के बहुत सारे पार्ट आ चुके हैं, और ये जो गेम मिला है इस बार गेम पास में, वो हमारा डंजन मतलब वेरी स्टार्टिंग सीरीज़ वाला है। ये भी जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये भी RPG और सिमुलेशन टाइप गेम है। बढ़ते हैं हमारे थर्ड गेम की तरफ, जो है लोगो बैटमैन। दोस्तों, ये गेम काफ़ी पॉपुलर हुआ था, और इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग बॉसेस भी हैं। अगर आप मेरा ओपिनियन चाहते हैं तो मैं चाहता हूँ कि आप ये गेम एक बार ज़रूर खेलें। भले ही ये गेम पुराना है पर काफ़ी ये गेम के सीरीज़ आ चुके हैं, और काफ़ी अच्छा गेम है। RPG और सिमुलेशन टाइप के गेम के फ़ैन हैं तो ये गेम आपके लिए काफ़ी सूटेबल है। आते हैं हमारे फोर्थ और लास्ट गेम की तरफ, जो है ट्रोपिको 4। दोस्तों, ये भी एक गेम, जैसे कि लोगो बैटमैन है वैसे ही ये गेम भी बहुत पॉपुलर हुआ है, और ये गेम के पार्ट 6 तक आ चुके हैं, पर हमको इस बार मिला है ट्रोपिको 4 पार्ट, जो भी काफ़ी अच्छा था और पॉपुलर भी हुआ था। अगर आप, मैं चाहता हूँ कि आप ये भी गेम को एक बार ट्राई करें और खेल के देखें, फ्री में मिल रहा है, ट्राई करने में क्या जाता है। और दोस्तों, ये चारों गेम के एक स्पेसिफिक डेट पे आप डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने आपको डिटेल स्क्रीन पे दे चुका हूँ, आप देख सकते हैं वो डेट पे आप अपने हिसाब से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, जस्ट अ क्विक रिमाइंडर गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, गिव अ लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स गेमर्स फ्रेंड। टिल देन स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ।